एक तो ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल और दूसरी साली ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने मिलकर जितना मेरा दिल दुखाया ना भैया, इतना तो मेरी रिपोर्ट कार्ड ने मेरे माँ बाप का दिल नहीं दुखाया। ये दोनों मिलके साले जितना मुझे परेशान करते हैं उतना तो किसान सरकार को परेशान नहीं करते। गालिब साहब का एक शेर था दोस्तों कि इश्क नहीं आसान, वह इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पहले तो लगता था गालिब साहब बकचोदी करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि व्हाट डिड ही एक्चुअली मीन बाय दिस। क्योंकि हम लौंडों को सच्चा प्यार हुआ अभी तो क्रिकेट से, अब वही आग का दरिया रोज दिखता है और रोज साला उसमें डूब के जाना पड़ता है। एक्चुअली क्रिकेट आपका दिल नहीं तोड़ता गाइस, उम्मीद साली आपका दिल तोड़ देती है। हम लौंडे अपने अपने सीनों में आग जलाए बैठे थे बदले की, उस बदले की आग पे मूत के चली गई ऑस्ट्रेलिया। 19 नवंबर का ट्रॉमा, इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शंस के ब्लंडर्स और जो कुछ भी इंडियन क्रिकेट के अराउंड हो रहा है उसको लेकर मैं आया हूं अपने क्रिकेट स्पेशल हफ्ता वसूली के एपिसोड पर। एक दिन लेट हो गया, वो बाकी बातें बाद में करूंगा। फिलहाल आप देखिए द क्रिकेट स्पेशल एडिशन ऑफ हफ्ता वसूली। देखो बात हकीकत है कि और भी गम है जमाने में क्रिकेट के सिवा। कहीं कोई किसी बीमार को बाइक पे अस्पताल लेकर जा रहा है, कहीं किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कहीं दीवार गिरने से लोग मर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार इन सारी बातों पर न्यूज़ चैनल वालों को ही बात करने देता हूँ, वो भी बेचारे बोर हो गए होंगे दिन भर हिंदू मुसलमान करते करते, कुछ तो नया मिले उनको भी। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते का हफ्ता वसूली फोकस करते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि वहां पर भी कुछ खास चीजें नहीं चल रही गाइस। क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या क्या आज के मेरे टॉपिक हैं, सब आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 5, यानी कि रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या अनफॉलोइंग ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। ऑनेस्टली जितना कुछ इंडियन क्रिकेट में चल रहा है, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या अनफॉलोइंग ईच अदर ऑन सोशल मीडिया इज लास्ट ऑफ माई कंसर्न्स। न्यूज फ्लैश हो रही भैया, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है ये कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा उल्लू के पट्ठों, तुम नेशनल मीडिया हो, फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप की एडमिन नेहू नहीं हो कि दो लोगों में लड़ाई सुलझाती फिरो, उनके बारे में बताते फिरो लोगों को। अरे थोड़ी शर्म करा करो कभी तो। बट ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ब्रूइंग ऑन दैट फ्रंट। वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने अपने फैंस का दिल जीत लिया था इंजर्ड होकर, और जब आईपीएल शुरू हुई तो वापस अपने फैंस का दिल तोड़ भी दिया। पहले तो 2 साल गुजरात की कप्तानी करी, उन्हें छोड़ के चले गए। अबे उनका कितना मूड खराब हो रहा होगा यार कि जो हमें अच्छा लगता है वो हमें छोड़ के कहीं और चला जाता है। वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वाहवाही होगी, मुंबई इंडियंस के फैन ताली बजाएंगे, वो तो धर धर गाली पकने में लगे हुए भाई साहब। क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। भाई जिस बंदे ने पूरा वर्ल्ड कप सेल्फलेसली खेला, जिसने पिछले कुछ महीनों में आप लोगों को इतना कुछ दिया प्राउड होने के लिए, आपने उसे कप्तानी से निकाल दिया, वो भी इस तरीके से। भाई डूइंग दिस वॉज एज बैड एज ब्रेकिंग अप ऑन अ टेक्स्ट, और वर्स इवन दिस वॉज एज बैड एज ब्रेकिंग अप विद एन इंस्टाग्राम स्टोरी। IPL के क्लब्स लेगेसी क्लब्स बनना चाहते हैं बट दे आर नोवेयर क्लोज टू इट। आप फुटबॉल क्लब्स को देखिए कि कैसे वहां पर एक मैनेजर की रिटायरमेंट को भी कितना सेंसिटिवली डील करा जाता है, और यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को आपने कैप्टनसी से हटा दिया। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन IPL में किसी और कप्तान के अंडर खेलेगा? वो बताएगा चल उधर खड़ा हो जा, साइड में, लेफ्ट में, हाँ दाएं, हाँ कैच में छोड़ियो, क्या चल रहा है? ऊपर से मार्क बाउचर जाके मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अरे रोहित का ऐसा है, रोहित का वैसा है। भाई अगला तो इस चक्कर में चुप है कि अगर उसका मुंह खुलेगा तो छूटते ही गाली बक देगा वो। लेकिन रितिका सजदे ने वहां पे कमेंट कर दिया टिंग। मैंने कहा चलो वाह शाबाश भाई शाबाश, कोई इंसान तो इंसाफ के साथ खड़ा है इस दुनिया में। बट इन ऑल ऑफ दिस जस्ट काइंड ऑफ लीक्स दैट मे बी नॉट एवरीथिंग इज राइट इन द कैप। Not that following anyone on social media is a big deal, लेकिन जब हार्दिक पांड्या आवेश खान को follow करते हैं और रोहित शर्मा को नहीं follow करते हैं तो थोड़ी तो बात बनेगी देखो भैया। लेकिन बस मेरी उम्मीद ये है कि क्रिकेट पे focus रहे और इस तरह की चीज़ें इंडियन क्रिकेट को नुकसान ना पहुँचाएँ। बिकॉज वेल एट द एंड ऑफ द डे ये सब मैनेजमेंट भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक बड़ा पार्ट होता है। मुंबई इंडियंस कैसे इसको डील करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन क्रिकेट टीम इस सिचुएशन को कैसे डिस्कस करती है और कैसे इसको पूरे के पूरा सुपरवाइज करती है, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। स्टोरी नंबर 4, द जडेजा कॉन्ट्रोवर्सी। इंटरनेट पे मीम्स बन रहे हैं कि एक लड़के ने तो बीवी के लिए क्रिकेट को छोड़ दिया और दूसरे ने तो एक कंट्रोवर्सी हो चली है कि रविंद्र जडेजा के फादर साहब ने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं रविंद्र जडेजा
और उनकी वाइफ के भी ऊपर। उन्होंने वीडियो में भाई साहब बेटे बहू को बहुत बुरा बुरा बोला और बातें भी ऐसी बोली कि बायोपिक तो छोड़ो, एकता कपूर का बायो सीरियल बन जाए स्क्रिप्ट के साथ। और जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा अगला क्रिकेट खेले या इस फालतू के इंटरव्यू के जवाब दे वो। एंड जडेजा ऑन द अदर हैंड इशूड अ रादर स्मार्ट एंड मैच्योर स्टेटमेंट। आजकल जहां एक स्टेटमेंट के बाद मौका मिल जाता है दूसरा स्टेटमेंट देके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, न्यूज में रहने का, जडेजा डीलिंग विद इट क्वाइट मैच्योरली वॉज वेरी वेरी स्मार्ट। उनने सोचा भाई साहब मैं क्या इंटरव्यू दियो लाइमलाइट में रहने के लिए, अगले मैच में गांड फाड़ रन आउट करूंगा, अपने आप न्यूज में आ जाऊंगा, रविंद्र जडेजा हूं मैं, रागी सावंत नहीं हूं। उन्होंने बहुत ही शालीनता से ट्वीट डाला और मामले को रेस्ट असाइड कर दिया। और देखो यहां पर मैं थोड़ी बुड्ढों वाली सोच रखता हूं, मुझे लगता है कि जब तक आपके घर का मामला है अनलेस वो एक क्रिमिनल इशू नहीं है उसको घर के अंदर ही सेटल कर लेना चाहिए। इट शुड नॉट स्पिल आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्पेशली ऑन नेशनल टेलीविजन। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज टू सी दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड आई एम ग्लैड दैट रविंद्र जडेजा सेटल इट क्वाइट एमिकेबली, क्योंकि घर का मामला घर में सुलझ जाए वही बेहतर है यार। अब मैं यहाँ वीडियो में लेके बैठ जाऊँ कि कैसे मेरे चाचाओं ने मेरे बाप की जमीन हथिया ली, उनका घर हथिया ली, अच्छा लगेगा ये बात मैं करूँ यहाँ पर तो बताओ। स्टोरी नंबर 3, द कोहली डिविलियर्स ड्रामा। पिछले हफ्ते एबी डिविलियर्स ने जाके सबको बता दिया, सुनो सुनो गाँव वालों, विराट कोहली का एक और बच्चा हो रहा है। एंड दिस हफ्ते ही वॉज लाइक उन्होंने आगे अपोलोजाइज किया फैमिली से और बोला कि ही शेयर्ड इन्फॉर्मेशन दैट वाज नॉट कंफर्म्ड एट ऑल। थोड़ी बेइज्जती तो देखो हो गई उनकी, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब कोई इंसान अपनी बात से फटाक से पलट जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। भाई बचपन में अगर मैं नागालैंड का कैपिटल अगरतला बता देता था ना, अगरतला जाके भी ना मानता मैं कि वो नागालैंड का कैपिटल नहीं है। एटलस को झुठला देता, मैप को झुठला देता मैं, लेकिन अपनी बात को गलत साबित नहीं होने देता। ऐसे में अगर एबी डिविलियर्स आकर अपोलोजाइज करते हैं पब्लिकली और सबके सामने आकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज वेरी 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 नाइस ऑफ हिम। बहुत ही बड़प्पन दिखाया उन्होंने ये चीज़ करते हुए एंड आई क्वाइट अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा करा। हालांकि उन्हें करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज आई थिंक समटाइम्स पीपल कैन टेक देयर प्राइवेट लाइफ वेरी सीरियसली। पब्लिक फिगर्स टॉकिंग ऑफ प्रिवेसी इज अ बिट ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन, और हमें पता चल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा विराट भाई यार, पूरा का पूरा देश आपसे इतना प्यार करता है, आपकी डक होती है, दर्द हमारे सीनों में होता है, तो आपकी खुशी में हम खुशी का इजाफा ही करेंगे। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच प्रिवेसी अराउंड दीज थिंग्स, बट एनीवे टू ईच देयर ओन। बाकी एबी डिविलियर्स को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि विराट कोहली से जो बात बोलो साले वहीं के वहीं मैसेज को डिलीट कर दो, पब्लिक में नहीं बोलनी बात भाई। इसी में एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है रिहान अहमद की। इंग्लैंड के रद्दी स्पिनरों में से एक रिहान अहमद अपनी एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए जब उनके साथ एक छोटा सा वीजा इशू हो गया। बेसिकली इन 10-12 दिन की छुट्टी में इंग्लैंड की टीम वापस अबू धाबी चली गई थी रेस्ट करने के लिए, और देखा जाए तो उनके हिसाब से ठीक भी है। इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाती हैं उन लोगों के लिए। अब खुद सोचो भाई साहब, तुमको बेन स्टोक्स मिल गया पहाड़गंज में टॉयलेट रोल लेते हुए, तुम तो बेन स्टोक्स को बेन स्टोक्स का मतलब ही समझा दोगे, क्या बकचोदी रह जाएगी फिर हम लोगों की। जो रूट मिल गया कहीं को हम लोगों को ताजमहल में फोटो खिंचाता हुआ ऐसे करके, तुम तो अपने भाई बहनों को और खड़ा करा दोगे उसके बगल में फोटो खिंचाने के लिए। अब मैं दूसरों की क्या बोलूँ, मुझे साला शोएब बशीर गली मोहल्ले में मिल जाए मैं उसको ले जाके शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूं, उसको बोलूंगा साले बॉलिंग बाद में करियो, बीकॉम तो पहले पूरा कर ले अपना, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी डोंट यू नो। ये वहां से वापस आए थे राजकोट जहां पर पहली इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हो रही थी जिसके लिए वहां पे स्पेशल कस्टम्स और इमिग्रेशन का इंतजाम किया गया था। बाकी सब तो निकल गए, रिहान अहमद पकड़ा गया। आई नो तुम लोग क्या सोचते हो कि रिहान अहमद क्यों पकड़ा गया, लेकिन वजह ऐसा नहीं है। ऑफिशियली बोला गया दैट देयर वाज सम टेक्निकल इशू विद हिज डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अपेरेंटली ही हैड अ सिंगल एंट्री वीजा और जब वो वापस आए इसलिए वीजा का इशू हुआ। मैंने कहा तुम लोग खोल के पढ़ते नहीं हो क्या, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो कहीं भी। भैया 2024 चल रहा है, 18वीं सदी नहीं चल रही कि अंग्रेज कहीं भी पहुंच जाएंगे बिना वीजा के। साले देश बदल गया। बट एनीवे उनका वीजा इशू सॉर्ट हो गया है, सो अब वो फाइनली टीम के साथ आ गए हैं। बट द गुड पार्ट वॉज दैट द इंग्लिश क्रिकेट टीम एक्चुअली स्टूड देयर विद रिहान अहमद जब तक उनका इशू क्लियर नहीं हुआ। गुड जॉब फॉर इंग्लैंड, लेकिन अपने मैनेजर रहने तो समझाओ पढ़ा करें वेंचू क्या लिखा कागज में क्या नहीं लिखा है। स्टोरी नंबर 2, और अब आते हैं खेल के असली मुद्दे पर, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट, मुझे अपनी बीवी की बातें और इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन दोनों ही समझ आना बंद हो चुके हैं भाई। शुरू से शुरुआत करते हैं लेजेंडरी विकेट कीपर बैट्समैन KS भरत जी का केस लेकर।
30 साल के यंग एंड प्रॉमिसिंग केएस भरत, जिनका टेस्ट क्रिकेट में शानदार 20 रन का एवरेज है, लगातार 7 मैच में फेल होने के बाद एक और मौका पाते हैं 3 मैच में अपना नाम लिखवाकर। और उनके लिए सिलेक्टर से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, Why the hell? उनके भाई का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी 37.10 का है। किस बात से इंप्रेस है लोग उनकी? विकेट कीपिंग से? वो भी कोई इतनी गजब नहीं भैया। मैं तो बेसिकली ये मान नहीं पा रहा हूँ कि इतने बड़े देश में, जहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में भी बास्केटबॉल कोर्ट में भी क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पे द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन दैट वी हैव राइट नाउ इज केएस भरत। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि ऋषभ पंत फाइनली आकर अपनी जगह ले लेंगे, आप लोगों ने खाली प्लेस होल्डर रखा हुआ एक बंदे को, लेकिन उसी में किसी नए लड़के को चांस दे दो भाई। इस 30-31 साल के आदमी को आपने 7-8 मैचेस का कुशन दे दिया, इसके बाद क्यों चांस मिल रहे हैं उनको? लुक, ही इज नोवेयर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, और आई डोंट नो व्हाई उनके साथ इतना लीनियंटली पेश आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 7 मैचेस ऑन द ट्रॉट इज अ गुड इनफ रोप फॉर एनी क्रिकेटर एट टेस्ट लेवल। नहीं परफॉर्म करे, यू हैव प्लेंटी ऑफ पूल टू सेलेक्ट न्यू पीपल फ्रॉम। चलो ईशान किशन से जो बात है सो है, किसी और को ले लो भाई, ध्रुव जुरेल को ही ट्राई कर लो। आई एम हियरिंग दैट प्रॉब्ली ध्रुव जुरेल माइट गेट द चांस इन फ्रंट ऑफ केएस भारत इन द थर्ड टेस्ट, एंड आई रियली होप दैट दैट एक्चुअली हैपेंस। ऑन द अदर हैंड, श्रेयस अय्यर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरे को बहुत बैक पेन हो रही है गाइस, मुझे लगता है मैं आगे का मैच खेल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह बंटी, तो मैंने कहा भाई मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेम वाली एक्टिंग मैं मॉल में जाके करता हूँ। नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है, मुझे तो कलर ही पसंद नहीं है। चलो ये कहीं ना कहीं सही भी था, बिकॉज ऑनेस्टली ड्रॉपिंग फ्रॉम द टेस्ट टीम डजंट मीन द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम। ओडीआई में ही स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर एंड आई एम श्योर ही विल मेक अ गुड स्पेस फॉर हिमसेल्फ ओवर देयर। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार 13 इनिंग से फेल हो रहे हैं आप, 50 रन नहीं बने 13 इनिंग में, 23 इनिंग्स हो गई हैं, यू हैवंट स्कोर्ड योर डबल सेकंड सेंचुरी टिल येट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है श्रेयस अय्यर वॉज नॉट डूइंग गुड इनफ, एंड आई एम ग्लैड दैट वहां से सेलेक्टर्स आर लुकिंग बियॉन्ड हिम, एंड फाइनली दैट कुड मीन दैट देर इज अ स्लाइट चांस फॉर सरफराज खान एज वेल। अब सरफराज खान को मैनेजमेंट चांस देती है या नहीं देती है, और कितना लंबा उनको रोप मिलेगा ये देखने वाला रहेगा, बिकॉज केएल राहुल भी अब इंजर्ड हो गए हैं और थर्ड टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए देवदत्त पाडिकल, एंड चेतेश्वर पुजारा इज नॉट इन द पिक्चर। चेतेश्वर पुजारा डिस्पाइट इज ग्रेट रन इन द डोमेस्टिक सर्किट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड, एंड ठीक भी है यार कि चेतेश्वर पुजारा बूढ़े हो गए, ही इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट इज लुकिंग फॉर फ्यूचर स्टार्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, जैसे हम वो नए यंग प्लेयर को चांस दे रहे हैं, आर अश्विन 37 ईयर ओल्ड के यंग डैशिंग स्पिनर है वो भाई, ये कौन से डबल स्टैंडर्ड है? अश्विन के मामले में आपको कोई नए ऑफ स्पिन को ग्रूम नहीं करना है, यू स्टिल कंटिन्यू टू गिव आर अश्विन चांसेस, एंड ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स टू प्ले जस्ट लाइक आर अश्विन के साथ साथ चेतेश्वर पुजारा ऑल्सो डिजर्व्स टू प्ले। लेकिन पुजारा के मामले में यू वॉन्ट टू लुक एट द फ्यूचर, यू वॉन्ट टू लुक एट यंगर टैलेंट, बट आर अश्विन के मामले में यू डोंट वॉन्ट टू लुक एट यू नो यंग स्पिनर्स एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरी बात आई आवेश खान की, उनको साउथ अफ्रीका ले गए मैचेस के लिए, वहां नहीं खिलाया, यहाँ 2 टेस्ट मैचेस में उनका नाम आ गया, यहाँ नहीं खिलाया, और अब बाकी के मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, चल भेजा रणजी ट्रॉफी खेल करा। अबे भाई इस बार क्यों ड्रॉप कर दिया, इस बार तो बुखार भी नहीं आया था उसे दुबई वाला। अरे मुझे तो लगता था ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में होता है कि बिना मौका दिए इंसान को ड्रॉप कर दिया, क्रिकेट में भी होने लगा भाई साहब। तो 4 दिन साथ घुमाया उसका, बोल चल यार तू तो रणजी खेल यार, क्या हम तेरे को खिलाने तो वाले नहीं मजाक ही कर रहे तेरे साथ। उनकी जगह आकाशदीप को चांस मिल गया, और आकाशदीप खुद ही हैरान है भाई, वो स्टेटमेंट दे कह रहे कि मुझे नहीं पता था मुझे बुला लेंगे। He was like, ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई। नहीं, मैं देखा जाएगा कि कौन खेलेगा, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करने की बातें हो रही थी, बट ही इज बीन नेम्ड द वाइस कैप्टन ऑफ द स्क्वाड। अब वो वाइस कैप्टन नहीं खेलेगा तो कैसे होगा? आई मीन आई डोंट नो, नो थिंग्स आर गोइंग ऑन, और परसों जब मैच होगा तो पता चल ही ना जाएगा कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। सोल नंबर 1, इंडियाज अंडर 19 वर्ल्ड कप लॉस, बिल्कुल 2023 वर्ल्ड कप का रिपीट हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, इंडिया अनडिफीटेड उस टूर्नामेंट में आई थी, इंडिया का स्टार नंबर 3 बैट्समैन इनसाइड एज लग के प्लेड ऑन हो गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई, फाइनल जीत गई। सब्जेक्ट को कुछ फील नहीं हो रहा भाई साहब, सब्जेक्ट सुन हो चुका है बेंचो एकदम, सब्जेक्ट को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब गाना कौन सा लगा है, वो रात अपन 2 बजे तक पिया या फिर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सब्जेक्ट हिल गया भाई साहब। एंड दिस लिटिल ट्रायंफ्स एंड लिटिल जॉयस टर्न इनटू लिटिल सोरोस, इंडिया अंडर 19 टीम हारी, काफी ज्यादा बुरा लगा, बट ऑनेस्टली समटाइम्स यू थिंक दैट द अंडर 19 क्रिकेट इज नॉट रियली अबाउट विनिंग दिस टूर्नामेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग दिस यंग टैलेंट्स। और इंडिया के इस अंडर 19 टीम में बहुत सारा प्रॉमिस देखने को मिला, एक बैटिंग ऑलराउंडर इंडिया को मिल सकता है इन मुशीर खान,
उदय सहारन शोड अ वेरी गुड क्लास इन हिज बैटिंग, राज लिंबानी ने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, सो देयर आर लॉट ऑफ गुड स्टार्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंडिया अंडर 19 कैंप एज वेल। माय ओनली होप इज कि उनको सही वक्त रहते मौका मिल जाए, वरना हमारे देश में तो 30-30 साल में लोगों के डेब्यू हो रहे हैं। जिस उम्र में हेनरी क्लासेन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर रहा है, उस उम्र में रजत पाटीदार को हम डेब्यू दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी फॉल्ट लाइंस हैं। आई होप दैट दीज प्लेयर्स डोंट गो इनटू द शैडोज अगेन एंड ये लोग रेलेवेंट रहे और उनको वक्त रहते मौका मिल जाए इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का। बाकी अब तीसरा टेस्ट होगा तो वो देखेंगे, उसके कारण कुछ लाइव करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोगों को भी वो सब देखने को मिले। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जिस मेरी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते उन पर कॉमेंट कीजिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे वीडियो में और भी बनाता रहूँ। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।